सो हाय गाइस, दिस इज मोहन अनबॉक्स। मैं अनबॉक्सिंग अटैक की वीडियो बनाता हूँ, और अगर आपको अनबॉक्सिंग अटैक की वीडियो पसंद है तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे इस सैमसंग M31 प्राइम एडिशन फ़ोन का। सो गाइस, आज करेंगे इसी फ़ोन के बारे में बात। और इस फ़ोन को प्रोवाइड कराया हमें टिंकू भैया ने, और उनका जो मैं इंस्टाग्राम आईडी है आपको नीचे दे दूँगा, सो आप उन्हें जाके फॉलो करें। सो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमें रिव्यू पर्पज से दिया गया है। ये रहा सैमसंग का M31 प्राइम एडिशन स्मार्टफोन। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा है सैमसंग गैलेक्सी M31। एंड इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रैम 4GB रैम वेरिएंट है, 128GB रोम है, ये आप देख सकते हैं। और कलर की बात करें तो कलर है आइसबर्ग ब्लू। सो गाइस, कलर है इसका आइसबर्ग ब्लू। एंड इस साइड में कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा गया है। तो बैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 मेगापिक्सल का आपको स्क्वाड कैमरा मिल जाता है देखने को। एंड 6000 mAh की इसकी बैटरी है। एंड 15W का फास्ट चार्जर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। स्क्रीन की बात करें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। एंड स्क्रीन साइज़ है 16.21 सेंटीमीटर्स फुल रेक्टेंगल। एंड गाइस, बात करें कैमरा की तो 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का स्क्वाड रियर कैमरा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। एंड नीचे आपको IMEI नंबर जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब करते हैं फ़ोन को ओपन, तो देखते हैं। सो गाइस, बैक की बात करें तो आपको बैक कवर में ही ये देखिए सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं सैमसंग की ब्रांडिंग। और चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा सिम इजेक्टर टूल। एंड अंदर क्या मिल जाता है आपको, सो अंदर बात करें तो एक क्विक स्टार्ट गाइड एंड वारंटी कार्ड मिल जाता है आपको, कुछ रीजनल लुक गाइड भी मिल जाते हैं। तो ये सब आपको इस फ़ोन में जो है मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ़ोन की। सो ये रहा हमारा फ़ोन, इसको निकाल लेते हैं बाहर। काफ़ी ग्लॉसी लुक में आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फ़ोन लग रहा है दोस्तों। ये आप देखिए, पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड कुछ 4 कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, फ़ोन तो काफ़ी ग्लॉसी लुक लग रहा है, एकदम डिसेंट फ़ोन लग रहा है देखने पे, एकदम टच करने पे रॉयल फील आ रही है इसमें। सो अभी इसे रख देते हैं साइड में और बॉक्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। सो बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग का फास्ट चार्जर। ये आप देख सकते हैं, ये रहा सैमसंग का फास्ट चार्जर। आउटपुट की बात करें तो ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सो ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो इसमें इनपुट है 100 to 240 volts एंड आउटपुट है इसकी 9 volt की इसकी आउटपुट है दोस्तों। मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, ये देखिए मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, पीछे सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। एंड इसके साथ ही आपको देखने को मिल जाता है एक फास्ट चार्जिंग केबल जो कि सैमसंग की है दोनों ही। एंड और क्या मिल जाता है बॉक्स में, सो गाइस और कुछ भी नहीं है बॉक्स में, ईयरफोन नहीं है इसमें। सो गाइस, ये इस फोन में ईयरफोन आपको देखने को नहीं मिलता है। सो इसे भी रख देते हैं अब अंदर और चलते हैं फ़ोन की तरफ। ये रहा हमारा फ़ोन, फुल एमोलेड स्क्रीन का है ये। एंड चलिए अब इसके कवर को हटा देते हैं। काफ़
काफ़ी ज़्यादा रिच लुक जो है आप इस फ़ोन में महसूस कर सकते हैं, एकदम रॉयल फील आ रही है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए काफ़ी हैंडी है और बहुत बढ़िया। और ये आप देखते हैं फ्रंट में सेल्फी कैमरा है इसके। एंड दोस्तों साइड की बात करें तो आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है एंड वॉल्यूम अप डाउन बटन्स। बॉटम में बात करें तो वॉल्यूम ग्रिल, माइक एंड चार्जिंग पोर्ट, साथ में 3.5 mm जैक जो आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में सिम इजेक्टर टूल आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में कुछ नहीं है दोस्तों। सो चलिए इस फ़ोन को अब हम ऑन करते हैं यानी कि बूट करते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये फ़ोन जो है ऑन हो गया है। ये देखिए दोस्तों ये फ़ोन ऑन हो गया है। स्वाइप कर देते हैं। सो गाइस फ्रंट में इसके जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पे आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है इसमें, और फेस रिकॉग्निशन तो है ही इस फ़ोन में। है Android 10 वर्जन, खैर इस पे लिखा हुआ तो नहीं है बट इसमें है Android 10 वर्जन। खैर आप देख नहीं सकते हैं बट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, इसमें Android 10 वर्जन दिया गया है। एंड अब बात कर लेते हैं स्पेक्स के बारे में। सो गाइस इस फ़ोन में आपको जो बॉडी दी गई है, बैक ऐसा लिखा गया है कि बैक जो है प्लास्टिक की है, बॉडी जो बैक है वो प्लास्टिक की है। एंड साइड में मेरे को थोड़ी मेटेलिक फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, ऐसे एजेस पे। एंड गाइस अब हम बात करें सिम की तो डुअल सिम एंड नैनो सिम जो है सपोर्ट करता है, ठीक है गाइस। एंड रेजोल्यूशन की बात करें तो तकरीबन 6 इंचेस का ये फ़ोन है। एंड्रॉयड है इसमें 1 UI 2.1। एंड CPU की बात करें तो ऑक्टा कोर 4x2x2.3 GHz का इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ठीक है दोस्तों। कार्ड स्लॉट बता देता हूँ मैं आपको, microSDXC डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है इसमें। और कैमरा तो मैंने आपको बता ही दिया था, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है, ये आप देख सकते हैं। ओके गाइस और लाउड स्पीकर भी इस पे है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा ब्लूटूथ 5.0। ओके गाइस USB की बात करें तो टाइप सी चार्जर इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो नॉर्मल चार्जर आप इस पे नहीं लगा सकते हैं, टाइप सी चार्जर सपोर्ट करता है ये फ़ोन। ओके गाइस एंड आगे बात करें तो प्राइसिंग की तो 15,499 का ये फ़ोन आपको पड़ जाएगा, मार्केट वैल्यू है इसकी। और दोस्तों और कुछ आपको फीचर्स बताने की, आपको बताता हूँ मैं, इस फ़ोन की जो स्पीड है वो है HSPA 42.2/5.76 Mbps की, इसमें आपको स्पीड देखने को मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारे नोटिफिकेशंस वगैरह एंड एस बाइक मोड सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, स्कैन QR वगैरह, अल्ट्रा सेविंग डाटा मोड, तो ये सब आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों आगे बात करूँ मैं, आप अमेज़ॉन खोल सकते हैं, सीधा स्लाइड करके आप डायरेक्ट अमेज़ॉन को खोल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं सीधा अगर आप इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो आपको अमेज़ॉन जो है ओपन हो जाएगा। ओके गाइस एंड बात करें तो से हम जो दोस्तों इसमें रेटिना सेंसर भी दिया गया है ताकि आप इससे फेस रिकॉग्निशन भी कर सकें। और प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें गोरिल्ला Glass 3 की जो है स्क्रीन लगाई गई है प्रोटेक्शन के लिए, आपकी फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए। टेक्नोलॉजी इसमें GSM/HSPA LTE टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है दोस्तों। और ये फ़ोन जो लॉन्च हुआ था February 25 को, ये फ़ोन जो है लॉन्च हुआ था मार्केट में। रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080
इंटू 2340 पिक्सल्स की आपको इसमें रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। तो गाइज ये था कुछ फ़ोन के स्पेक्स और इसकी फ़ोटोज़ हम खींच के देखते हैं कि कैसी इसकी फ़ोटो आती है। दोस्तों काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है ये। एंड अगर अब मैं बात करूँ इसकी ओपनिंग की तो ये देखिए कितनी ज़्यादा जल्दी स्मूथली ये ओपन हो जाता है। एंड जब आप फ़ोन ऑफ करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके का होगा, एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स एंड फोटोज़ भी खींच सकते हैं अगर आपको जो है झंझट में नहीं फंसना फिंगरप्रिंट वगैरह के या पासवर्ड के, तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से खुल गया है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी की। तो अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ जो है खींच के दिखाता हूँ इस स्मार्टफोन से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार, मेरे चैनल की हेल्प हो जाएगी गाइज। और मेरा ड्रीम है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो प्लीज़ इस ड्रीम को हम ट्रू करते हैं। एंड दोस्तों आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। एंड नाउ गाइज मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।